इससे पूर्व की वीडियो में ही हमने ये बता दिया था कि सूर्य नारायण महाराज केतु के साथ पीड़ित अवस्था से होकर के गुजरेंगे, जिसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ेगा कन्या राशि के जातकों पर। इसीलिए कन्या राशि के जातकों को पिछले महीने, वैसे तो महादशा अंतर दशा के अनुसार बहुत लंबे टाइम से भी कई लोग परेशान हो सकते हैं, परंतु विगत पिछले महीने में जिन कन्या राशि की जातकों के साथ में जीवन में परेशानी का उद्गम प्रारंभ हुआ, अपने आप को कहीं ना कहीं बंधा महसूस किया, विशेष कार्य की शुरुआत से पहले रुकावट सामने आ गई, व्यवधान अटक गए और खर्च की सीमा लगातार पार हो गई। यहाँ तक कि आपने अपने ऊपर, अपने कार्य के ऊपर जो इन्वेस्ट किया वो जो सोच करके गया रिजल्ट डिपॉजिट मिल गया और यही आपकी चिंता का मुख्य रूप से कारण बना। विदेश यात्रा में व्यवधान आया, विदेश यात्रा से संबंधित कार्य में रुकावट उत्पन्न हुई और देखा गया कि आपका किसी भी स्तर से नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में जिसमें आपने इन्वेस्ट किया, कोई चीज़ खरीदी, किसी कोर्स को ज्वाइन किया, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग हो चाहे फिर वो किसी भी क्षेत्र, इसको हमने आपको पहले ही बताया था कि ये चीज़ें आपके जीवन में घट सकती हैं। तो जिन कन्या राशि के जातकों के जीवन में ये चीज़ें हुई हैं वो जरूर कमेंट करें। पर आज बेहद खास बात हम आपको बताने वाले हैं कि जो ग्रह युति बनी थी, जिस कारण से दिक्कत उत्पन्न हुई थी, वो ग्रह युति भी अब समाप्त हो रही है और साथ ही अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये तीन महीने में सबसे अद्भुत परिवर्तन होगा। वर्ष 2024 में ही दो तीन ग्रह बहुत जबरदस्त तरीके से जिन्होंने चेंज लाया था, बृहस्पति महाराज, एक दूसरे हमारे शनिदेव, और ये शनिदेव की दो मुख्य चाल इस वर्ष हमें देखनी पड़ी। कन्या वालों के लिए तो शनिदेव भी बहुत ज़्यादा योग कारक ग्रह हैं। अच्छी बात ये हो रही है, शनि अभी जो पिछले टाइम वक्र हो गए थे वो पुनः अब मार्गी होने जा रहे हैं और ये इस त्रिमाही राशि फल की सबसे महत्वपूर्ण बात है। शनि का मार्गी होना आपके लिए बेहद कल्याणकारी भी है, क्योंकि अब जैसे शनि वक्र हुए तो देखा गया कि उन्होंने प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं तकरार पैदा कर दी, विद्या भाव में कुछ ना कुछ परेशानी इस प्रकार की आई, कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रु आपके ऊपर थोड़ा सा हावी होने का उन्होंने प्रयास किया, और जितने भी हमारे नौकर चाकर जो हमारे लेबर जो भी हमारे नीचे तबके के लोग काम करते थे उन्होंने किसी स्तर से हमें धोखा देने का प्रयास किया, हमारे साथ चीट करने की कोशिश करी। ये कहीं ना कहीं वक्र काल में हमने ये चीज़ें थोड़ी सी देखने के लिए मिली है। कर्ज थोड़ा सा बढ़ गया, कर्ज की चिंता थोड़ी बढ़ गई, कुछ अनजाना डर अनजाना भय हमें सताने लगा, कोई छोटे मोटे रोग इस प्रकार के हो गए कि रोग की भी चिंता सताने लगी। तो प्रिय कन्या राशि के जातकों, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या है आपके लिए खास, चलिए जानते बिना देरी के। कन्या राशि वालों, ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर है, इसको चंद्र राशि पर देखना है। अगर आपको चंद्र राशि याद रही तो जो भी प्रचलित नाम राशि उसके आधार पर आप आसानी से कार्यक्रम को देख सकते हो। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, अब हमने चार्ट को थोड़ा इस प्रकार से आपको प्रदर्शित किया है तो आप आसानी से समझ में जाओगे और एक एक ग्रह जो हम बताएंगे वो आप आसानी से देख भी पाओगे, कब कौन सा ग्रह किस तारीख में किस भाव से निकल के किस भाव में जा रहा है, ये आपको साधारणतः दिखेगा। सूर्य, बुध महाराज और केतु महाराज, ये अगर आप देखोगे साधारणतः तो आपकी राशि पर दिखेंगे आपको, यानी कि 6 नंबर के ऊपर। 6 नंबर का मतलब होता है मित्रों कन्या राशि, परंतु ये यहाँ पर 6 लिखा हुआ ही होता है हमारा प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस। ये प्रथम भाव है आप खुद, आपका स्वास्थ्य, आपका चरित्र। इसीलिए पिछले महीने सूर्य, बुध, केतु की युति ने कई बार तो आपको कुछ गिरते हुए कार्य में आपने समझदारी से काम ले लिया और आप जो नुकसान आपके साथ हो सकता था आपने वो नुकसान होने से बचा लिया। परंतु वही केतु का आपकी राशि पर आना, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को अधूरा महसूस किया, जिन कामों में लोग आपकी प्रशंसा करते तो वहीं अंदर से आप समझते कि नहीं, मेरे अंदर कुछ तो कमी है, इस कमी को मुझे पूरा करना चाहिए। बस केतु उस अधूरी कमी को पूरा कराने का प्रयास आपसे पिछले महीने से ही करा रहा है। बट एक देखने वाली जरूरी बात क्या बनी कि सूर्य द्वारशेष होकर लगन में बैठे तो पिछले महीने से ही इन्होंने कुछ ऐसा करा दिया कि आपको कहीं ना कहीं पिछला महीना कुछ तनाव देकर के चला गया, कुछ चिंता देकर के चला गया। अब 20 अक्टूबर के बाद से अभूत परिवर्तन होगा। 20 अक्टूबर तक मंगलदेव जो आपके लिए कहीं ना कहीं सहयोगी मार्ग का कार्य करते हैं, मंगल महाराज की अवस्था यहाँ पर चेंज होगी और 20 अक्टूबर के बाद मंगल आपके लाभ में आ जाएगा। देखो मंगल का आपके कर्म स्थान पर आना तो पिछले महीने से ही आप कहीं ना कहीं अपने काम में बहुत ज़्यादा मेहनत तो कर रहे हो, कार्य मेहनत आपकी संघर्षता चल रही है और देखा जा रहा है कि मंगल ने कहीं हद तक आपके आपके बॉस के साथ में जो कुछ ना कुछ कड़वाहट बिगाड़ दी है, कुछ ना कुछ दिक्कत दे दी है। अब अच्छी बात परिवर्तन यही है कि मंगल देव जब लाभ में आएंगे तो मित्रों लाभ होता है सपोर्ट का, धन का, इनकम का, और मंगल देव आपके लिए मेहनत के माने, मेहनत का संबंध सीधा लाभ से,
जाहिर सी बात है कि आपकी मेहनत जाया नहीं जाने देंगे मंगल में, आपकी मेहनत का कुछ ना कुछ आपको लाभ प्रॉफिट के रूप में, इनकम के रूप में या प्रमोशन के रूप में आपको प्रदान कर सकते हैं। तो 20 अक्टूबर के बाद से मंगल की दृष्टियां भी आपकी कहीं ना कहीं भाव पर पड़ रही है और मंगल थोड़ा सा शत्रु पक्ष के माने जाते हैं आपके लिए, तो कुछ चिंताएं देंगे पर कार्य क्षेत्र पर कुछ अच्छा है। देखो मंगल की दृष्टि द्वितीय पर रहेगी, पंचम पर रहेगी, रोग ऋण और शत्रु भाव पर रहेगी। सबसे ज्यादा क्या ध्यान देना है कि आपको आपकी वाणी पर नर्मता रखनी है, वाणी पर क्रोध नहीं रखना है। बार बार किसी चीज की जब मनाई हो उस पर जिद नहीं करनी है। मान लीजिए किसी कार्य के लिए बार बार आपको मना किया जा रहा हो, आपके कलीग्स आपको मना कर रहे हो, घर परिवार में लोग मना कर रहे हो और आप आगे बढ़ करके उस काम को कर दो तो वहां पर आपको तनाव हो सकता है, उससे बचने का प्रयास करना है। इन 3 महीनों में क्रोध जिद के कारण से ही कुछ ना कुछ नुकसान होगा, अन्यथा कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि मंगल कई हद तक इस समय बहुत अच्छा हो जाएगा। अचानक कुछ लोग आपको अपना शत्रु समझ सकते हैं, ये बात हो सकती है। आप ही के कुछ लोग, आप ही के कुछ सपोर्ट वाले आपको गलत आंक सकते हैं, गलत समझ सकते हैं। उसके लिए आपको ज्यादा क्लैरिफिकेशन इस समय नहीं करना, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों को समझाने का प्रयास करोगे उतना ही वे आपकी बातों को गलत समझेंगे। समझाना कब है, जब ग्रह आपके अनुसार हो जाए उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे अच्छी बात क्या है मित्रों आपके लिए, गुरु महाराज भाग्य स्थान पर संचरण कर रहे हैं। जो ग्रह जिस भाव का कारक होता है उसी भाव के अंदर गुरु गोचर कर रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि भी आपकी राशि पर, गुरु की दृष्टि बहुत कल्याणकारी है। मित्रों गुरु ही मात्र ऐसे ग्रह हैं जो आपको नुकसान से पूरे वर्ष से बचा रहे हैं। आप बार बार जो गलतियां कर रहे हो, जो गलतियां आपसे हो रही हैं, जो और चीजें आपको घसीटने का प्रयास कर रहे हैं, मात्र गुरु आपको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये गुरु हमेशा सही मार्ग में दिखाता है, और जब भी आप महसूस कर रहे होंगे कि आप मार्ग से भटक रहे हो, आप इधर उधर आपका दिमाग चल रहा है, तभी कोई ना कोई वैद्य, कोई दैविक शक्ति जैसे आपको आकर के रोक दे। कहीं हमारे कन्या राशि वाले जातकों के साथ इस वर्ष में 2024 में एक्सीडेंट से संबंधित घटनाएं घटित होती हुई दिखाई दी, जिसमें उन लोगों का ज्यादातर ये कहना था कि प्रभु हमें ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट लगभग हो गया, और जिन लोगों का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ उनको तनिक मात्र क्षति जैसे खरोंचाई इस तरह की घटना देखने के लिए मिली। कन्या राशि के कितने ऐसे जातक हैं जिनके साथ में इस प्रकार, सबके साथ तो नहीं होगा बट मोस्टली कई लोगों के साथ में हुआ, क्योंकि अष्टमी होते हैं आपके मंगल महाराज, मंगल का कई बार आपकी राशि पर प्रभाव पड़ता है। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, आप जरूर मेंशन करिएगा। तो वहां से आपको जो बचाने वाला ग्रह वो बृहस्पति ही है, देवगुरु बृहस्पति के कारण है। आप दूसरा, इस समय शुरुआत से हमने कहा था कन्या राशि वाले जातकों, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, मांगलिक यात्राएं हो सकती हैं, और इस 3 महीने के दौरान अगर अब तक ऐसा नहीं हुआ है तो प्रबल योग है कि आप किसी परिवार के साथ में धार्मिक स्थल पर यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। देखो एक बहुत अच्छी चीज है कि आपकी जो जीवन में संकट संघर्ष चल रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा आपको चाहिए जो आपको मार्गदर्शन दे, और वो बृहस्पति कृपा से तभी आपको मिलेगा जब आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ो। बिना स्पिरिचुअलिटी के बृहस्पति प्रदान नहीं करते, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो लोग धर्म कर्म से जुड़े हैं उन्हीं को बृहस्पति के कार्यकर्तव्य के शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो अपनी रुचि थोड़ी सी अध्यात्म में बढ़ाइए, बृहस्पति खूब आपको प्रदान कर सकते हैं। 17 अक्टूबर तक सूर्य बुध केतु ये हैं आपके प्रथम भाव के अंदर, तो यहाँ से सिलसिला शुरू होता है आपके स्वास्थ्य का। सूर्य बुध केतु की युति होने से एक तरह से देखा जाए तो आप अपने स्वास्थ्य को ठीक करने का प्रयास कर रहे हो, अपने स्वास्थ्य में सुधार करने की लगातार कोशिश कर रहे हो, पर फिर भी ये देखा जाएगा कि आपके सिर में दर्द, आपके नेत्रों में समस्या, आपके गले से संबंधित कुछ दिक्कत आपको हो रही है, या फिर आपके दांतों में समस्या देखी जा रही है। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक आपको इन सभी चीजों को फेस करना पड़ सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। विद्यार्थी वर्ग के वालों को बहुत ज्यादा इस समय ये सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि मोस्टली हमारे बहुत सारे जातक हैं स्टूडेंट्स वर्ग के, विद्यार्थी वर्ग के, तो आपकी चिंता भी बढ़ रही है, क्योंकि ये नवंबर दिसंबर जनवरी के जो महीने हैं इनमें हैं आपके एग्जाम्स। अब विद्यार्थी के वो भी कन्या राशि वालों के लिए कैसे एग्जाम जाएंगे, हो सकता है कि आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो, स्कूल का एग्जाम हो, कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो, तो शनिदेव 14 नवंबर को ही मार्गी होने जा रहे हैं। 14 नवंबर से पहले शनि वक्र का प्रभाव पंचम पर पड़ रहा था, अलग स्वय राशि का था वो इतनी दिक्कत नहीं देते, पर शनि का मार्गी होना और शनि का द्वादश भाव में होना विद्या भाव के स्वामी, तो पढ़ाई को लेकर एक चीज अच्छी है कि जो पढ़ाई को लेकर विदेश जाना चाहते हैं, बाहर की यात्रा करना चाहते हैं,
कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई का इन्वेस्टमेंट एक ऐसा होता है कि कभी भी खराब नहीं होता, पर विशेष रूप से जब शनि मार्ग हो जाएगा तो पढ़ाई लिखाई को लेकर जो खर्च आप करोगे, जितना भी यात्रा करोगे, जितना भी आप घूमोगे फिरोगे, अपनी अपनी ताकत लगाओगे, उतना आपके लिए शुभ है। शनि महाराज पढ़ाई को लेकर के विदेश यात्रा करवा सकते हैं कुछ लोगों की, सब सबका जिनका बजट नहीं है उनकी बात नहीं हो रही, जो लोग विचार कर रहे हैं उन लोगों का। षष्ठम में शनि मार्गी होगा तो ये रोग रिपु ऋण शत्रु आदि पर विजय आपको प्रदान करके जाएगा। बहुत सारे जो लोन को लेकर के चिंतित रहते हैं उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। बार बार कॉम्पिटिशन, जॉब में इंटरव्यूज फेल होना, जॉब में बार बार निराशा हाथ होना, बिजनेस में भी निराशा हाथ होना, अपने काम में वो प्रोग्रेस ना देख पाना, तो ये शनिदेव का शनि 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 चढ़ती शनि चढ़ती धीरे 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 कराता है शनि, धीरे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक सकारात्मक परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है आपके वर्तमान चिंताओं को लेकर। 20 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के मिड पार्ट तक यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर एक क्रोध, एक गुस्सा, एक जिद, एक मन में किसी पुराने व्यक्ति को लेकर के जैसे कोई आपके दिमाग में ऐसा गुस्सा पैदा हो गया हो कि नहीं इसको मुझे सबक सिखाना है, इसने मेरे साथ गलत किया है। बट एक बात ध्यान रखो, क्रोध की अग्नि, अहंकार की अग्नि, गुस्से की अग्नि, ये एक ऐसी अग्नि होती है जिसमें सामने वाले को क्षति पहुंचे या ना पहुंचे, सबसे पहले हम जलना शुरू कर देते हैं। इस अग्नि की जो तपिश होती है ना, वो व्यक्ति को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। तो हमेशा ऐसी चीज के लिए क्या करें, एक उपाय आपको बताता हूँ। कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखें, उस पर इतने क्रोस मारें उसको फाड़ें, चीरें, जला दें। अपने दिमाग से ऐसा व्यक्ति करें कि ये व्यक्ति मेरे दिमाग से पूरी तरह डिलीट हो जाए। तो ऐसे नकारात्मक चीजों को मन में बसाया नहीं जाता, इनको मन से, दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए दूर किया जाता है। आपके अपने कौन है, आपके माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपके वे लोग जो आपके साथ में हैं, जो आपके सपोर्ट में हैं, उन लोगों को देख करके आप इन चीज़ों को आगे बढ़ें, ना कि नेगेटिव चीज़ों में। जीवन एक बार मिलता है और उसमें जीवन में जवानी युवावस्था एक बार मिलती है। अगर आप युवा होकर हमारी वीडियो देख रहे हो तो आपको मोटिवेशन नहीं मिला तो क्या फायदा हमारी वीडियो बनाने का। लव रिलेशन में गुस्सा रहेगा पर गुरु की दृष्टि आपके आपसी संबंध को बना करके बचा करके रखने का प्रयास करेगी, क्योंकि गुरु और चीजों को तोड़ते नहीं, तोड़ते हैं, प्रेम को आपको सफल बनाते हैं, बचाने का प्रयास करेंगे। संतान सुख भी प्रदान करेंगे बृहस्पति महाराज, बस कुंडली के अंदर बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, यहाँ संतान का योग आपका निर्माण हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अमृतमय होती है और कई सारी ऐसी महिलाएं जिनको गर्भ संबंधित दिक्कतें हैं, जो कि एक प्रश्न करती हैं कि हम IVF करा रहे हैं या हम संतान को लेकर के कुछ करा रहे हैं, क्या हमारा ये सफल हो पाएगा, क्या संतान कंसीव करने का शुभ समय है। देखो शुक्र का प्रभाव 2 दिसंबर के बाद में आपके पंचम पर होगा, शुक्र आपके लिए बहुत योगकारक है। बृहस्पति की दृष्टि भी पंचम पर पड़ेगी, पंचमे शनि भी अब मार्ग हो रहे हैं, यानी कि इस कार्य की रुकावट में संतान प्राप्ति, संतान को लेकर चिंता समस्या में आपके अच्छे होंगे आने वाले 3 महीने के अंतराल, तो आप जरूर आप कोशिश कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है आपके दाम्पत्य जीवन की, सबसे ज्यादा कन्या राशि के जातकों को कहीं दिक्कत मिल रही है तो वो यही मिल रही है दाम्पत्य जीवन में। पत्नी कितना भी सुनाओ, पति कितना भी बताओ, कोई सुनना कोई असर नहीं, कितना सुधार, 2-4 दिन के लिए ठीक, फिर बाद में फिर ऐसे का वैसा। तो राहु सप्तम में बैठ करके आपके पार्टनर के द्वारा वो चीजें करवा देता है जो आपको अच्छी नहीं लगती, और यही हो रहा है पिछले पूरे वर्ष में आपको यही चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। सप्तम भाव राहु की दृष्टि में आप भी खुद कंफ्यूज हो, आपको भी नहीं निकल पा रहे, आपको कहाँ जाना है, कैसे करना है, चीजों को बना रहे हो बिगाड़ रहे हो। रेत से बार बार चीजें बनाते हैं, फिर वो गिरा देते हैं, फिर बनाते हैं, फिर गिरा देते हैं, यानी मेहनत उस चरम पर नहीं कर पा रहे जहां तक आपको सफलता मिल जाएगी। ये राहु आपसे करवा रहा है भैया, तो इसके लिए उपाय करना पड़ेगा। ये साधारणतः अपना प्रभाव नहीं, क्योंकि नेगेटिव ग्रह होता है तो ये हमारे मानसिकता भ्रम हमें पैदा करता है। भाग्य, करियर, बिजनेस, चलो ये तो है ही, पर सप्तमेश थोड़ा गुरु महाराज का देख लो। देखो सप्तमेश गुरु भी थोड़ा शत्रु राशि में है, तो अपने कारक भाव भाग्य के लिए तो अच्छा है, पर सप्तम भाव के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि सप्तम से तृतीय स्थान में जा रहा है। तो इस अवस्था में बेफिकुल की बातों पर थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश ना करें, लड़ाई झगड़े के प्रसाद के होने के थोड़े योग बन सकते हैं। पार्टनर की ग्रोथ ये जरूर होगी, पार्टनर का जो भी
अगर किसी कार्य में लगे हैं तो वो सफल हो जाएगा। एक प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं, पर एक सबसे महत्वपूर्ण भाग्य, करियर, व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी क्या है, आपके वर्तमान समय में क्या चल रहा है। देखो 13 अक्टूबर से पहले और 7 नवंबर के बाद ये टाइम ऐसा है, इसमें भाग्य तो आपकी बहुत सपोर्ट है। जो भी कर लो, जैसे कर लो, कुछ खरीद लो, कुछ बेच लो, कहीं लगा दो, कोई शुरू कर लो, यानी सब चीज़ों के लिए उत्तम है। भाग्य का मतलब ये होता है कि जब भाग्य अच्छा होगा तब हम करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के बाद, बट मैं अगर कहूँ कि 7 नवंबर 14 नवंबर में तो शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, तो आप 14 नवंबर के बाद में ज़्यादा प्रयास करें, क्योंकि शनि है आपके लिए पुण्य भाव के मालिक। जब शनि अच्छा होगा तो आप परामर्श करोगे, सलाह लोगे, वो सलाह आपकी अच्छी हो जाएगी। 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में कोई बड़ा परिवर्तन आप ना करें, कोई किसी को पैसा उधार ना दें, जो चला गया फिर उसको चला हुआ मान लीजिएगा, आएगा तो बहुत देर से आएगा, तनाव से आएगा, ऐसा मान लीजिएगा। अच्छे योग बनने हैं, नौकरी मिलने की प्रबल संभावना इन 3 महीनों के अंतराल में दिखाई दे रही है। व्यापार में भी थोड़ा बहुत तनाव जरूर होगा, जैसे कि खर्च एकदम अचानक से बढ़ेगा, कुछ ना कुछ आपके नौकर चाकर आपकी बनी बनाई व्यवस्था को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर्स थोड़ी व्यवस्था आपकी बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, षड्यंत्रबाजी कर सकते हैं, बट तनाव होते होते डिसीजन लेने में थोड़ा सा आपको देरी कर सकते हो। ये चीज़ आपके थोड़ी आपको अटपटी देखने के लिए मिलेगी कि मैं इतना टाइम ले रहा हूँ जबकि मेरा कंप्यूटर तो फटाक से डिसीजन ले रहा है, काम कर रहा है। तो ये प्रभाव है, डेली इनकम में कोई कमी नहीं रहेगी, व्यापार वर्ग में आपकी जो चीज़ें चल रही हैं उनमें कोई नुकसान ऐसा नहीं होगा, यानी आपके भरण पोषण सब चीज़ें हो जाएगा। कन्या राशि के प्रिय जातकों को उपाय के दृष्टिकोण से बुध का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम ब्राह्म ब्रीम ओम से बुधाय नमः। राहु का प्रभाव है तो जौ नदी में प्रवाहित करें और माता सरस्वती की आराधना करें। हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना श्रेष्ठ रहेगा। और एक बहुत विशेष जानकारी आपको दे देता हूँ कि पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है, समझिएगा 2 मिनट की बात है। बहुत पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि पितृपक्ष में हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो भी करते हैं वो तो पितरों को प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है। उसको पितृ अन्न के, वस्त्र के या जल के रूप में ग्रहण करते हैं और वे भूख प्यास उनको तृप्त होती है। अब जब तृप्ति उनकी हो जाती है तो पितृ आपको कृपा प्रदान करते हैं। पर अगर सपोज करें कि आप पितरों के लिए कुछ ना करें, वो भी मुख्य रहते श्राद्ध पक्ष के दौरान, तो क्या है? ऐसा है मित्रों कि पितरों के लिए अगर आपने नहीं किया तो हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में कुछ एक श्लोक बताया गया है शायद कि श्राद्धम ने कुरते मोहा तस्य रक्तम विबंधिते, कि अगर हम श्राद्ध नहीं करते यानी पितरों के, श्राद्ध क्या है कि श्रद्धा से पितरों के लिए जो भी किया वो सब श्राद्ध, कि श्राद्धम ने कुरते मोहा तस्य रक्तम विबंधिते। अगर आप पितरों के लिए कोई श्राद्ध नहीं करते, तर्पण नहीं करते, उनको कुछ उनके निमित्त कुछ नहीं देते, तो वे रक्त रूप में हमारा रक्तपान करते हैं और उसका बहरा समझ सकते हो कि फिर हमारे जीवन में चिंता इतना बढ़ना शुरू कर देता है। और 90% हम कुंडलियों के अंदर देखते हैं, अधिकतर लोगों की कुंडली में पितृदोष पाया जाता है। और पितृदोष केवल कुंडली का भाग नहीं है कि कुंडली में होगा तो ही बनेगा, आप खुद भी पितृदोष का निर्माण कर सकते हो। लंबे समय तक कोई ब्राह्मण घर में आ रहा है उसको तिरस्कृत कर दो, वो ब्राह्मण बहुत समय से घर में आ रहा है, पूजा करा रहा है, अब अचानक से ब्राह्मण बदल लिया, कोई वैदिक परंपरा चल रही है उस परंपरा को खंडित कर दिया, उस परंपरा को बंद कर दिया, अपने रीति रिवाज को मानना बिल्कुल बंद कर दिया, ये चीज़ें ही तो होती हैं पितृदोष, और इन्हीं के प्रभाव से जीवन में बढ़ता है तनाव, क्योंकि उनकी जो प्रोटेक्शन है फिर वो हमें प्राप्त नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा अवसर है जिसमें आप पितरों के निमित्त घर बैठे हम ऐसा प्रयास करें। अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं होगा, कोशिश करेंगे, अगर आप सभी का हमें एक फीडबैक मिलेगा तो हम ऐसा प्रयास करेंगे कि पितृपक्ष में पितरों के निमित्त पूजा तर्पण या विशेष कोई ऐसा अर्चन किया जाए कि आप ऑनलाइन हमारे से उसमें शामिल हो सकें। और उसकी क्या शुल्क है, क्या दक्षिणा, क्या व्यवस्था है, वो तो सब जब आप व्हाट्सएप करोगे तब आपको वो मैनेज करके बताया जाएगा। तो उसके लिए आप सीधा व्हाट्सएप पर लिखें अपना नाम, अपना गोत्र, और ये लिखें कि हमें पितृ पूजा में शामिल होना है, बस। तो आपको आपका नाम उस लिस्ट में डाला जाएगा, फिर जैसी व्यवस्था बनेगी उसके अनुसार आपको बताया जाएगा। तो जो भी लोग इच्छुक हों, जो भी इच्छित हों, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे, प्रतिभाग करना चाहें, क्योंकि पितृ प्रसन्न है तो सब देवता प्रसन्न है, अन्य अगर आप पितृ मान लीजिए प्रसन्न नहीं है, जो भी व्रत पूजा जब तब आप करते हैं उसका कोई फल नहीं मिलता, वहीं से हमें सब कुछ हमें प्राप्त होता है। आशा करते हैं बताइएगा जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, बनेगा हमारे साथ, मिलते हैं। ओम श्री।